الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم محترم بھائیو دوستو بزرگو ہم سب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے بندے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندگی کے ساتھ زندگی گزارے بندگی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی گزارنے میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھوں کہ میرا رب اور میرے اللہ کی مرضی کیا ہے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس کو بندگی والی زندگی کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے کو نافرمانی اور گناہ کہتے ہیں گناہ اور نافرمانی اس کی لمبی فہرست ہے کہ آدمی کیسے کیسے گناہ کب کب کیسے کیسے کر سکتا ہے اور ان گناہوں سے اپنی جان کیسے چھڑانی چاہیے اس لیے کہ جس مالک اور جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور وسائل عطا کیے ہمارے رب نے ہمیں عقل اور سمجھ دی روزی دی تندرستی دی خاندان دیا اس رب کی نافرمانی کرنا جس کی طرف سے سب کچھ ملتا ہے یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اور جرم کی سزا یہ قانوناً بات ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے جرم ثابت ہو جائے گا سزا ضرور ملنی ہے اس لیے کوئی بھی گناہ ہو چاہے چھوٹا یا بڑا اس کی سزا ضرور ملتی ہے گناہوں کی سزا ایک تو آخرت میں طے ہے کہ فلا فلا گناہ پر یہ سزا ملے گی جس کو قرآن کریم میں بھی اور حدیثوں میں بھی بہت صاف طور پر واضح فرما دیا کہ فلاں نے گناہ کرنے پر یہ سزا ملے گی لیکن تقریباً ہر گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جن گناہوں کی نحوست میں اور جن گناہوں کی سزا کی وجہ سے ہم ان حالات کا شکار ہیں اس گناہوں کو چھوڑنے ہم تیار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے حالات اور مصیبتیں ہم سے ہٹنے کو تیار نہیں اس لیے علماء نے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو تین پرکار میں تقسیم کیا ہے ایک گناہ
गुनाह का एक प्रकार जिसको शैतानी गुनाह कहते हैं, गुनाह का एक प्रकार है जिसको शहवानी गुनाह कहते हैं, और गुनाह का एक प्रकार है जिसको बहीमी गुनाह और दरिंदगी वाले गुनाह कहते हैं। शहवानी गुनाह का मतलब क्या है? शहवानी गुनाह के हर इंसान के अंदर अल्लाह जल्ले शानहु ने एक फितरी जिनसी ख्वाहिश रखी हुई है, जिसको हम अंग्रेजी में सेक्सुअल डिजायर कह सकते हैं। फिर अल्लाह जल्ले शानहु ने हर इंसान को अपनी जिनसी ख्वाहिश और सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए एक जायज और हलाल तरीका भी बतलाया है। तो अपनी ख्वाहिश को गलत तरीके पर पूरा करना या पूरा करने की कोशिश करना, ये सब शहवानी गुनाह कहे जाएंगे। और शहवानी गुनाहों में सबसे टोच पर और सबसे बड़ा गुनाह है जिना, जिसको हम बदकारी और गुजराती में व्यभिचार कहते हैं। गुनाह का एक प्रकार है बहीमी गुनाह यानी जानवरों वाले गुनाह। ऐसी बहुत सारी आदतें जो किसी जानवर में है, इंसान अपने अंदर वो आदतें अपनाए, उसको बहीमी गुनाह कहते हैं। जैसे जो दरिंदा होता है ना, दरिंदा, जिसको हम गुजराती और उर्दू में कह सकते हैं फाड़ खाने वाला जानवर, जैसे शेर है, चीता है और जंगली जो जानवर होते हैं इनको दरिंदा कहते हैं। इन दरिंदों की एक आदत यह होती है कि वो किसी को मारने और किसी पर जुल्म करने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं होती। यहां तक कि कभी तो ऐसा होता है कि शेर और चीता और इस किस्म के फाड़ खाने वाले जानवर किसी पर अटैक करते हैं, किसी को, किसी इंसान को या किसी दूसरे जानवर को मार डालते हैं और खाते भी नहीं, बगैर खाए ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। यानी इनको किसी पर अटैक करने के लिए, किसी को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। बस इरादा हो गया कि किसी को मारना है, किसी को अटैक करना है तो कर लिया। कभी कभी इंसानों में आदत होती है कि बस वो किसी को परेशान ही करना चाहता है, वजह बेवजह किसी को परेशान करना, तंग करना, यहां तक के उसको कत्ल तक कर देना, जिसको कत्ल नाहक कहते हैं, कि किसी को मार दिया बिना बगैर किसी वजह के, बस जी में आ गया था कि मुझे मारना है तो मार दिया। तो ये दरिंदों वाले जो गुनाह है, बहीमी गुनाह जिसको कहते हैं, इस गुनाह की आखिरी टोच और उसमें सबसे बड़ा गुनाह है कि बिला किसी वजह के किसी इंसान को मार देना, कत्ल कर देना। तीसरा प्रकार है गुनाहों का जिसको शैतानी गुनाह कहते हैं, कि जो आदत है शैतान के अंदर थी वो आदत किसी इंसान के अंदर हो। जैसे शैतान की क्या आदत है? शैतान की एक मशहूर आदत है कि शैतान लोगों को आपस में लड़ाना पसंद करता है और उसका ये काम है। तब कोई इंसान शैतान का प्रतिनिधि बनकर वो भी लोगों के अंदर लड़ाई की सोच करने लगे, लड़ाई की फिक्र करे, साजिश करे ऐसी के लोग लड़ते हो जाए अंदर। इसी तरह से शैतान का एक गुनाह है तकब्बुर, शैतान की एक आदत है तकब्बुर, घमंड, बड़ाई। इसी की वजह से तो उसे अल्लाह ने अपने दरबार से भगाया और उस पर लानत की, और उसकी वजह से वो शैतान शैतान बना। तो यही तकब्बुर, घमंड और किब्र ये किसी इंसान के अंदर हो, ये शैतानी गुनाह है। और ये शैतानी गुनाह इतने खतरनाक होते हैं
इतने खतरनाक होते हैं कि जिसके अंदर शैतानी गुनाहों में से कोई एक गुनाह है या एक से ज्यादा गुनाह है, उस आदमी की रूहानी तरक्की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं, रूहानी तरक्की उसकी जर्रा बराबर, एक इंच के बराबर नहीं हो सकती जब तक कि उस शैतानी गुनाह को अपने अंदर से इस्लाह करके ना निकाले। चाहे कितनी भी नमाज पढ़ ले, चाहे कितने भी रोजे रख ले, लेकिन अपने अंदर के उस शैतानी गुनाह को दूर करने की कोशिश ना करे और उसकी इस्लाह की फिक्र ना करे, तो नमाजें पढ़ता चला जाएगा लेकिन उसकी रूहानी तरक्की नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, रोजा रखना छोड़ देंगे, भाई रूहानी तरक्की तो होती नहीं है, क्या करें। नेगेटिव माइंड हम लोगों का बहुत ज्यादा जल्दी दूसरी तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसकी इस्लाह करें कि भाई ये शैतानी गुनाह जो है, बीमारियां, ये सब दिल की बीमारियां है। जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी है तो मैं इस ख्याल में बैठा रहता हूं कि भाई सब बीमार है ना, मैं भी बीमार हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, सब मरेंगे मैं भी मरूंगा। नहीं, जरा सा ऊंच नीच होता है, जरा सा पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, पेशाब बार बार आना लगती है, सीने में और छाती में दर्द होने लगता है, तो फौरन फिक्रमंद होता है और किसी न किसी तरह से छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, छोटा इलाज, बड़ा इलाज, यहाँ तक के ऑपरेशन और जो कुछ करना चाहे सब करने तैयार हो जाता है। वो चाहता है कि किसी तरह से मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाऊं। इसी तरह से ये गुनाह, चाहे वो शैतानी गुनाह हो या शहवानी गुनाह हो या बहीमी और दरिंदोगे वाले गुनाह हो, कोई भी गुनाह, ये बीमारी है दिल की, उसका इलाज होना जरूरी है। तो इसलिए उलमा ने ये तमाम गुनाहों के तीन प्रकार बतला है, फिर हर प्रकार के अंदर अलग अलग गुनाह है, तो कौन सा गुनाह क्या नुकसान करता है। एक तो मजमूई एतबार से अल्लाह की नाफरमानी और कोई भी गुनाह, वो आखिरत में तो नुकसान करेगा ही करेगा, उसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी उसकी सजाएं मिलती है। तो गुनाहों के वो क्या नुकसान है कि जिसकी वजह से हम सब कुछ करते चले जा रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। तो वो गुनाहों के नुकसान है जो दुनिया में पेश आते हैं, और कुछ नुकसान है जो आखिरत में पेश आते हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु ने चाहा इंशाल्लाह उसको अगले मजलिसों में, अगले जुमाओं में बयान किया जाएगा। अल्लाह हमें सही समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिनकी सुन्नत है बाकी वो सुन्नत पढ़ लीजिए, जो सुन्नतों से फारिग हो दुआओं में लग जाए।